Good afternoon, students. I hope you all are doing well. So now today we are going to continue with question number 4 of exercise 2.2. So let's begin. Find the product using suitable properties. अब जो हमने properties पढ़ी थी ना, हमें वो use करके इनका product find out करना है. So A 738 into 103. अब देखिए अभी हम इसमें ना कैसे properties अपनी use करते हैं, जिससे जो multiplication है वो हमारा easy हो जाए. So 738 multiply by, अब ये जो 103 है इसमें मैंने इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कैसे? 100 प्लस 3 को मैं 100 प्लस 3 कर सकती हूँ. अब ये मेरी बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो मैंने इसे सॉल्व किया बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. a इंटू बी प्लस सी, ये बन गया a इंटू बी प्लस सी. सो ये क्या हो जाता है, a इंटू बी, हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं एक और बी से, तो जो साइन लगा होता है वो लगाते हैं, तो प्लस का साइन, फिर a इंटू सी. सो ऐसे ही हम इसमें जाएंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे 738 into 100. तो यहाँ इसका साइन लगा है प्लस, सो प्लस 738 into 3. इसका इस हमने मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 73,800 प्लस, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 8 24 11 121 22 ओके. अब मुझे इसमें जो है सिंपली ऐड करना है, सो मैंने एडिशन किया इसका, दिस इज 4 1 0 5 6 7, यह मेरा 76,040. नाउ डी ये लिखा है 1005 into 168. अब इसमें जो हमें इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, कैसे? 1000 प्लस 5 लिख के मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ into 168. अब इसमें वही बन गया है ना a into b plus c, so 168 into 1000 plus का साइन प्लस 168 into 5. अब इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 1,68,000 प्लस, इसका मल्टीप्लाई किया 8,540 कैरी 34 3 carry 8 40. अब मुझे इसका फिर एडिशन करना है, 0 4 8 8 6 1, आया 1,68,840. इन दोनों क्वेश्चन में हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है. सो नाउ ट्राई टू डू द रिमेनिंग सम्स ऑफ दिस क्वेश्चन बी एंड सी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. Now question 5th. A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? A taxi driver hai, usne apni car ka petrol tank jo hai fill karwaya. So Monday ko usne kitna petrol dalwaya, usne 40 liters. On next day matlab Tuesday ko usne kitna dalwaya, 50 liters. If the petrol cost rupees 44 per liter, जो per liter है, मतलब 1 liter petrol का cost कितना है rupees 44, तो उसने total दोनों तुम्हें मिला के उसने total कितने rupees जो है spend करे petrol पे. So petrol filled on Monday 40 liters, petrol filled on next day कितना हो गया 50 liters. This is 40 liter and 50 liter. टोटल पेट्रोल फिल्ड इन कार, अब हम इसमें टोटल निकाल रहे हैं तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 90 liters. अब हमने जो है कॉस्ट निकालनी है 90 लीटर पेट्रोल की, सो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल कितना है ₹44. सो कॉस्ट ऑफ 90 लीटर्स पेट्रोल इज इक्वल्स टू, अब 1 लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट है उसको मैं 90 लीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो मेरा आंसर आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 90. अब ये 44 मल्टीप्लाई बाय 90 है, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करूंगी. कैसे? 44 इंटू, अब ये जो 90 है इसको मैं 100 माइनस 10 लिख सकती हूँ, बिकॉज 100 माइनस 10 इज 90. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या हमने इसको, तो 44 इंटू 100 ये ब्रैकेट लगा दिया, अब यहाँ माइनस का आया तो ये माइनस 44 इंटू 10, सो ये हो गया मेरा 4400 माइनस, ये हो गया मेरा 400, इसको मैंने माइनस किया, सो 0 10 माइनस 4 6
3, I'm carrying 30 minus 1, 9. And this is 3. So, 90 liters ka cost kitna aa gaya? 3,960. So, answer. Kitna spend kiya usne? We spent rupees 3,960 on petrol. Kitna spend kiya? 3,960. Now, question 6. A vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk cost rupees 45 per liter, how much money is due to the vendor per day? A vendor hai, wo morning, a hotel mein morning mein kitna milk supply karta hai 32 liters aur evening mein kitna supply karta hai 68 liters. Ye one data hi hai. Matlab single day mein morning mein kitna karta hai 32 aur evening mein 68. If the milk cost rupees 45 per liter. Agar 1 liter milk ka cost kitna hai rupees 45. So how much money is due to the vendor per day? तो पर डे वेंडर को कितना रुपीज मिलता होगा, मतलब 32 लीटर मॉर्निंग में देता है, 68 लीटर इवनिंग में देता है और 1 लीटर का कॉस्ट कितना है 45. तो टोटल जो है वन डे में वेंडर को कितने रुपीज मिलते हो. सो मिल्क सप्लाईज इन द मॉर्निंग कितना है 32 लीटर. मिल्क सप्लाईज इन द इवनिंग कितना है 68 लीटर. सो टोटल मिल्क सप्लाई समय में इसका टोटल निकालना होगा वन डे का, तो कितना हो जाएगा ये 100 लीटर्स. सो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, अब हमें 100 लीटर्स का कॉस्ट निकालना है, तो हमें 1 लीटर का दिया हुआ है, 1 लीटर का कॉस्ट कितना है रुपीज 45. सो कॉस्ट ऑफ 100 लीटर्स मिल्क इज इक्वल्स टू, हमें 1 लीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, 100 लीटर का निकालना है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 45 मल्टीप्लाई बाय 100. अब यहाँ पे 100 4500 is due to the vendor per day. How much money? 4,500 is due to the vendor per day. Question 7. Last question of this exercise. Match the following. अब ये हमें कुछ numbers given है और यहाँ पे हमें कुछ properties के name लिखे हुए हैं. तो हमें बताना है कि ये solve जो किया गया है ये किस property के according किया हुआ है. So first is 425 multiply 136 is equals to 425 multiply bracket 6 plus 30 plus 100. इसमें ये जो 136 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा हुआ है 6 प्लस 30 प्लस 100. तो ये किसमें किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में. यहाँ पे लगा है प्लस का साइन, तो मतलब ये है ओवर एडिशन. अब ये कौन सा होगा? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. नाउ सेकेंड, 2 इंटू 49 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15 इंटू 49. इसमें सिर्फ इसको जो है रीअरेंज करके लिख दिया है और कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन का. तो ये क्या है? कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन. सो इट्स 8. नाउ दिस 80 प्लस 2005 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 80 प्लस 20 प्लस 2005. अब इसमें भी जो है इसको रीअरेंज करके लिखा हुआ है प्लस के साइन है, तो ये कौन सा हो गया? कम्यूटेटिविटी ओवर एडिशन. सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज सी, आंसर ऑफ सेकेंड इज ए एंड आंसर ऑफ थर्ड इज बी. आई होप दिस एक्सरसाइज इज अंडरस्टूड बाय एवरी स्टूडेंट एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी.